सेवक कौन चिल्ला रहा था ये राज दरबार के बाहर? कट गई भैया, लेकर के आओ। कौन? वहन स्वरूप नखा भैया, दुर्दशा किस जालिम ने की है हरकत? अरे किसकी आई बुरी घड़ी? कौन मौत से बेजार हुआ? अरे किसकी उसी अब से आंख लड़ी? वहन भैया, इस तरह से हमारी सुंदर बहन को क्रूर बनाने वाले कौन हैं? सीता से बताओ, इस अपमान का बदला लिया जाएगा। भैया मैं पंचवटी पर घूमने के लिए गई, वहां पर दो सुंदर राजकुमार आए हैं जिनका राम और लक्ष्मण नाम है, उनके साथ उनकी पत्नी भी है सीता। नारी का स्वभाव होता है नारी से मिलने का, उनकी नारी से मैंने मिलना चाहा, इतने में छोटी तपसी ने मेरे नाक और कान काट लिए। भैया उन तपस्वियों के द्वारा ऐसी हरकत की गई है। चलो बहन, मैं अपनी सेना लेकर के चलता हूँ और उन तपस्वियों को अभी मार करके तुम्हारे नाक और कान काटने का बदला लेता हूँ। चलो भैया आओ, आगे हो जाओ। तुम जाओ सुखिन वैसी इलाज करा दियो, जाओ। सरकार ये सामने जो ठाणो लड़का सेवक ने फुका के फका उड़ा गए इसी के द्वारा, जो ये वो लड़का हमें लगा जो गुंडा है। हाँ सेवक, इसको देख करके ना जाने क्यों आज हमारा हिंसक हृदय भी दया से भर रहा है। यद्यपि इसके द्वारा कार्य ऐसा किया गया जो क्षमा करने योग्य नहीं है, यद्यपि भगनी कीन कृपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, जाओ हमारा संदेश जाकर के इसको सुनाओ। सरकार की ऐसी आदमी हो तुम, इने अपनी फुगा की नाक काट गई, जेका अपने बाप लगत का, इनको मूड काट लो, सीधी लड़ाई संग्राम आओ। एक दूसरे को राम समझ के सब मर गए। अब अपन बच्चे अपन रावण के दरबार में चले। महाराज धराज कंचन नगरी सम्राट लंकेश्वर महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो राज सेवा, राज सेवा। महाराज ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? जा आवाज न सुनो, बहुत बेकार आवाज है। कंगन की फका उड़वा दे। राज सेवक आपकी बहन दरबार में आना चाहती है, जाओ तो आप सम्मान सहित लेकर खर दूषण के खर दूषण के सुपन खा प्रेरा किसने की बहन? भैया हे भाई तो लड़के राम लखन जनक बन में आए। छोटे तपसी ने
बहन। हाँ भैया। तुमने मेरा नाम नहीं लिया। सब मेरे तेरा नाम लिया। बहन हे बहन उदास नहीं मन में, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा निकाल कर नथनों से मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में उठती है नाक नहीं ऊंची। अबला पर हाथ उठाने में उठती है धार नहीं। मैं चला नाक के सीधी नाक के पर उनको पकड़ूंगा। तेरी इन आंखों के आगे ही मैं उनकी नाक रगड़ दूंगा। पालकों की ले गए नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा। यंपर का नाका दिखला कर बस नाको चना चबवा दूंगा। यह धरा धाम पाताल नाक मेरे प्राग ने जीते हैं। भैसे मेरे बाग और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कहा। उसका तो वही अखाड़ा था उस कुलभूषण से नहीं कहा। भैया मैंने जाकर उनसे भी कहा फिर क्या हुआ गए तब से उन्होंने भी समाप्त कर दिया। भैया क्या कह रहे हो बेकाट तुम्हारे नाक कान। जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी बीस भुजा। लानत है शास्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो मैं दंडक बन को जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। जाओ ठीक है भैया। सूप रखे समझाए कर मारो बिनु भगवान का। खरदूसर तो मेरे समान बलवान था उसे बिना नारायण के कोई नहीं मार सकता। सोलरंजन भंजन महभारा जो लीन सोलरंजन भंजन महभारा भगवंत लीन अवतारा। तो मुझे ज्ञात होता है कि स्वयं नारायण ने अवतार ले लिया। हो यही भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दे लिया। तामसी हो चुका है मुझसे भजन अध्ययन नहीं। जो नर रूप भूप सत को हरहु नार जीतहु मन दो। जब एक अकेले तपसी ने इन सब पीरों को मार दिया तो निश्चय फल सिद्ध हुआ। नारायण ने अवतार लिया निज परिचय देने को। दिखलाई प्रभु ने ऐसी युक्ति मुझे इस लड़के कारण ही शायद मिल जाए लड़ से मुक्ति मुझे। अच्छा यदि वे अवतारी है तो बैर भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा ही खोल। चला अकेले जाने चढ़ गया सिंधु तट चहेरा। आओ भांजे श्री आओ बैठो। मामा मारी महाराज आपका आगमन इस समय कैसे हुआ। मामा मारी
मैं ताज हूँ सरताज हूँ, लेकिन आज तेरी मदद का मोहताज हूँ। बताओ क्या बात है। संकट में साथ मिटका दे, है सायसी मिटका कर्म ही, निछावर राज मुकट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म ही। दो तपसी लड़कों ने बन में करनी बेहुदा की है खर दूसर, तीसरा मारे नकटी श्री स्वरूप नखा की। अच्छा किसने? दो लड़के आए हैं। क्या नाम बताया? राम लखन। आप उन राम लक्ष्मण की बात कर रहे हो? बैठो महाराज, बैठो बैठो। मैं उनको खूब जानता हूँ क्योंकि वो विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा इन नजरों में है। जिसने सुयोजन पर फेंका वो तीर करारा आंख में है। वह नाम कान से सुनते ही जुड़ी सी चढ़ती आती है, परसों की दबी हुई चोट आज उखड़ती आती है। करना है तू शुभकर्म करो, अरे चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है निर्दोष रो, सीता का हरना ठीक नहीं। मामा मारे हाँ। इस कारण सुनो हाँ। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक भगनी की तो फारे उनकी। जो बहुत गलत तो तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। जो बहुत गलत करने मामा मारी। आप समझ नहीं रहे हमारी बात। जो बुरा कर्म है तुम ना जाओ, काऊ की लुगाई को उठा लियाओ, बहुत गलत बात है। मामा मारी जिम गुरु बोल करस मम बोधा, कहूं जग मोल समान को जोधा। इन तीनों लोगों में मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। मैं तो योद्धा नंजा तो लुगांजन को नहीं। मां बवारी हम नहीं जा रहे। नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? जब तक सर्वखल ब्रह्म है तब तक झूठा सारा नाता है। फिर किसको क्या ज्ञान सिखाता है, क्या खुद बनकर समझाता है। और मामा मारी यदि यदि नहीं साथ दोगे मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले ये पूरी तुझे पहुंचा दूंगा। अच्छा हाँ मामा, हम नहीं जा रहे, फदू को पहुंचा दूं। मामा मारी देखो हमें विचार कर लेंगे। कहो बस समझ गए। अब गए तो गए और नहीं गए तो गए। अगर जा रहे तो राम के बाण से मरने, और नहीं जा रहे तो जो पीर मोहम्मद बैठेगी मामा मारे से डारे पछाए से निकाल दे। इसलिए कहा गया है अब मैंने हृदय अनुमाना न वह विरोध नहीं कल्याण। जय हो शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, जय वेदवंत कवि मानद को नहीं। जय अब बस विचार बना लिया, नौ प्रकार के व्यक्तियों से विरोध नहीं करना चाहिए। हम जाएंगे जा रहे जाओ। चल मेरी माया मैं सोने का मृग बन जाऊं। है माया चल। हम खूब कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम सोने को कब पीते रही को नहीं बन पा रहे। चल मेरी माया मैं सोने का मृग बन जाऊं। हम तो यार खाले मास्क नहीं बन पा रहे। चल मेरी माया मन गए बने जाओ लेन मोल फल कंदो जनक सुता सन बोले कृपा सुखिए लक्ष्मण। यही कछु मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना।
कहे बन निकट दशानन गयउ तब मरीच कपट मृत भयउ सीता परम रुचिर मृग देखा ऐसा सुंदर हिरण मैंने पहले कभी नहीं देखा हे नाथ ऐसा मृग देखा ना सुना जैसा ये सुगर सलोना है देखो तो सर से पाओ तला हिरण मार के